हाय, मैं हूँ आशीष और मेरा पैशन है फूड, क्लोथ्स, ट्रैवल और सबसे बढ़कर आर्ट एंड डिजाइन। मैं काफी लकी हूँ कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होम्स डिजाइन किए और उनमें से कुछ को आप जानते भी हैं। मैं आपको इन फेमस लोगों के फेमस घरों में भी लेकर जाऊंगा जहां आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज आपसे डिजाइन की बात करेंगे। बट वेट, दिस मोर सेलेब्स के घर से इंस्पायर होकर मैं आपको लेकर जाऊंगा डिजाइन हेडक्वार्टर्स और आपको दिखाऊंगा कि आपके घर को ऐसा लुक कैसे मिल सकता है। वहां मैं आपको दूंगा बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स। आपको इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे फेलो इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और साथ ही डिजाइन पर उनका पर्सपेक्टिव देखना। इन्होंने मुंबई के कुछ सबसे ग्लैमरस घर डिजाइन किए हैं। चलिए मिलते हैं ब्यूटीफुल सुजैन खान से उनके रस्टिक होम में। ये है डिजाइन HQ। This is my home. Welcome. Thank you. Welcome. Wow, ये बहुत अच्छा है. I love this space. ये बताइए आपको ये जगह कैसे मिली? ये कमाल की है. वो भी सिटी के बीचों बीच. Thank you, Ashish. That's very sweet of you. एक तो ये व्यू एंड इट्स दी हाइट ऑफ बीइंग अप हियर जिसे आपको फील होता है जैसे आप यू नो क्लाउड्स में हैं यू नो। और मैं काफी लकी रही, मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जिसमें काफी सारा आउटडोर फील हो और जहां से मैं समंदर को देख सकूं। और मुझे लगता है ये जो पूरा एक्सपेंस है और ये पूरी वाइब है ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज है जो मैं सच में चाहती थी एंड आई एम लकी कि मुझे मिल गई। You know, इस घर में बहुत ही रस्टिक फील है। you know, ये काफी वार्म है, कंट्री जैसा है लेकिन अर्बन भी। you know, और आपको ऐसी ही वाइब चाहिए थी। I created the space like एक ऐसी जगह जहाँ मेरे सारे collectibles आ जाएं। तो चाहे वो मेरा आर्ट हो या फिर मेरी बुक्स हो या फिर you know, मेरे फोटोग्राफ्स हैं, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं चाहती थी एक ही जगह आ जाएं। पहले ये सब ऐसा नहीं था। एग्जैक्टली, एंड आई वांटेड इट टू फील लाइक अ लाइब्रेरी। ये सब ठीक से हो गया क्योंकि मेरे पास इसे फिनिश करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं था। इट वाज जस्ट अ क्विक जॉब द वे आई गॉट इट। आई वाज लाइक सो इसमें कितना टाइम लगा? यू वोंट बिलीव मी बट इट टुक 1.5 months। What? Yeah. मुझे लगा 1.5 साल लगा होगा। No, it took 1.5 months क्योंकि फ्लोरिंग ऑलरेडी हुई भी थी। तो बेसिकली मुझे अपना बस फर्नीचर लगाना था, मुझे अपने वॉल्स रेडी करनी थी, वॉलपेपर्स, पेंट, फिनिशिंग करनी थी, यू नो सारे फैब्रिक्स लगाने थे, ये ब्यूटीफुल एंड्रू मार्टिन वॉलपेपर्स लगाने थे। मैं यहाँ रोकना चाहूंगा क्योंकि गाइस, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये वुडन पैनलिंग नहीं है, ये वॉलपेपर है और ये इतना अच्छा कैमोफ्लाज है यू नो, और ये एक क्विक फिक्स भी है। हाँ, लेकिन you know, कमाल की बात ये है कि मुझे नहीं पता था कि ये इंटेंशनल है नहीं, लेकिन नॉर्मली घरों में व्हाइट वॉल्स वुडन डोर्स, व्हाइट वॉल्स वुडन डोर्स और ये सब इतना डिस्कनेक्टेड होता है और अब वॉलपेपर्स की वजह से exactly. तो ये काफी बड़ा नहीं है बट एट द सेम टाइम मैं चाहती थी कि एक ऐसा इल्यूजन आए जिससे स्पेस ना कट हो। लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि इस वॉलपेपर में शेडो भी है राइट, और इससे हमें मिलती है डेप्थ। तो आपने कौन से स्टाइल यूज किए हैं इस स्पेस में? See, I'll tell you what. मैं चाहती थी कि जो लुक है इसमें एक बहुत ही इंग्लिश एरिस्टोक्रेटिक वॉल जैसा लुक आए क्योंकि बहुत ही टेक्सचर्ड है। इट बिकम्स मोर कंट्री रस्टिक। सो इट्स लाइक इट्स गॉट द कंट्री रस्टिक वाइब। और फिर मैं चाहती थी कि मेरे फर्नीचर में हो दिस वेरी लाइक फ्रेंच स्ट्रोक अगेन यूरोपियन डक डाउन सोफाज और इस तरह की चीजें। और फिर इसकी to cut the seriousness of that मैंने क्रिएट किया इन सारी टेबल्स के लिए वो टेक्सचर्स और उन टेक्सचर्स को ज्यादा स्मूथ नहीं होना था। और फिर हमने यूज किया दैट पॉलिश्ड शाइनी metal. सो इट्स लाइक आई हैव दिस फॉर्मूला इन माय हेड एंड मेबी आई शुड शेयर दैट फॉर्मूला। ग्रेट टिप फ्रॉम सुजैन खान। समथिंग शाइनी, समथिंग ब्राइट, समथिंग डार्क and something with a lot of texture. So, jab aap in sabhi elements ko blend kar dete hain, you make your palette of textures.
Wow. So your texture palette is as important in my head as your color palettes. क्योंकि अगर आपके सारे colors flat होंगे, like if you don't have texture in those colors, they don't really come. मतलब वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा. वो extra layering depth नहीं आएगी. Impact. The impact is not so good. साथ ही मुझे ये भी अच्छा लगा कि इस घर को design किया है, कि इसका जो shell है वो बहुत monochromatic है. In its way. लेकिन जैसे आप enter करते हैं, तो आपको दिखते हैं बहुत सारे color. So, जैसे तुम नोटिस कर रहे हो, ज्यादातर फर्नीचर एक्सेप्ट फॉर व्हाट आई एम सिटिंग ऑन हैज नो कलर. तो आप कलर ऐड करते हैं. कलर्स थ्रू एक्सेसरीज, थ्रू रग्स, थ्रू पेंटिंग्स और चीजों से, फ्लावर्स से. और अगर आप चाहते हैं कि मोनोक्रोमैटिक हो जाए, तो फिर आप ये सब हटा दें. गेट रिड ऑफ दोस थिंग्स जिनसे कलर आ रहा है. आपकी मदर वो खुद भी एक बहुत ही फेमस इंटीरियर डिजाइनर हैं. तो मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने किस तरह इन्फ्लुएंस्ड मी. मैं बहुत ही यंग थी, आई थिंक आई वाज 4 or 5 years old, और ये सारी मैगजीन्स हमारे घर आती थी. यू नो दिस आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट एंड हाउस ब्यूटीफुल, होम ब्यूटीफुल, हाउस ब्यूटीफुल. उस टाइम पे हाउस ब्यूटीफुल था. या सो शी नोटिस्ड कि मुझे इन मैगजीन्स में बहुत ही इंटरेस्ट है. सो शी यूज्ड टू टेल मी, यू नो, व्हाई डोंट यू कम विद मी टू माय साइट. शी यूज्ड टू आस्क मी अबाउट कलर्स. Wow. And मैं उन्हें बताती थी that you know mom, this is nice, this is not, और शायद ये साथ में अच्छे लगेंगे. And sometimes she used to use those combinations, and she used to, and those combinations used to turn out really good and different. How do you personalize this space? आप किस तरह से हर कॉर्नर को अपना स्पेस बनाती हैं? आशीष, I'm sure you are the same because you're an artist, and you know a mind of an artist is always wanting to pick up things jiske sath wo relate kar sake. To jab bhi main art khareedne jaati hu, or when I want to put things in my home, it's not about, you know, this is the most happening thing and you know I must have it. मुझे एक बुक मिली ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज राइटिंग्स, और उसमें उनका हैंड सिग्नेचर हुआ हुआ था. एंड आई सेड, यू नो व्हाट, मुझे ये खरीदना है फॉर माय सन, यू नो, फॉर माय सन्स, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, आई वांट टू गिव देम बैक. लाइक सो माय आर्ट एंड माय थिंग्स दैट आई कलेक्ट, आई ओनली कलेक्ट देम थिंकिंग, यू नो, don't think of now, think of like 2050 when you know, when they are much older. Aur tab ye ek aisi cheez hogi jab ye padhna chahenge, kya tab ye relevant hoga to what design or palette or whatever they are doing for their home. To aapne kaha aapka younger son design mein interested hai. Yes, my both my sons are very artistic. They have a lot of you know, design sensibility of blending in again color and form. Ek din main apne bete Ridhan ke saath baithi thi, and I was like drawing something. So he was just watching me. He was just quietly watching me and not saying anything. And then तो मैंने उससे कहा कि यू नो रिदान, ये बहुत ही सिंपल है. तो मैंने उसे बस कुछ टिप्स दिए ऑन व्हाट पर्सपेक्टिव ड्राइंग इज. एंड देन दो दिन के बाद मैंने उसे लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पे बैठे देखा एंड वॉचिंग अहेड एंड स्केचिंग उस वक्त जो उसके सामने था. वाओ. एंड ही डिड द होल रूम. हाउ ओल्ड इज ही? ही इज 9. आई थिंक येस, ऑफ कोर्स इट्स इन द जीन्स, यू नो. या दे आर आर्टिस्टिक. और आई थिंक बोथ ऑफ अस, मी एंड ऋतिक, आर वेरी आर्टिस्टिक. इवन ही इज सच एन आर्टिस्टिक पर्सन इन हिज आर्ट, यू नो, ऑफ हिज स्किल. तो बताइए, घर में आपका फेवरेट स्पेस कौन सा है? So, like I'm saying, I think that my favorite space would be the outside. वहाँ एक couch है जो मुझे बहुत पसंद है. वहाँ से आप सी देख सकते हैं. And I can have coffee in the morning. And I can go through, you know, my mails or my magazines, whatever. So, I think मैं कहूँगी कि वो मेरा favorite spot है. How do you entertain in this house? Evening जो है वो बहुत ही beautiful है. Especially the sunset. तो पूरा sky pink हो जाता है. And ज़्यादातर मैं normally मैं क्या करती हूँ कि आई एंटरटेन आउटसाइड. ब्रीज एंड द विंड हमें मिलती है, यू नो, इसीलिए हम चीजें बाहर सेट करते हैं, यू नो, फूड एंड एवरीथिंग. सो इट्स रियली नाइस. और खान हाउस होल्ड तो अपने खाने के लिए मशहूर है. माय ब्रदर समटाइम्स ही कम्स हियर और वो करता है बारबेक्यूज. और हमारे यहाँ बारबेक्यू है ऑन द टेरेस आउटडोर. देयर इज लाइक फ्रेश, यू नो, कबाब्स बीइंग मेड एंड ऑल.
सो या सो आई थिंक वी हम टेरेस काफी यूज करते हैं और अब जब मैंने घर के खाने की बात कर दी है तो मुझे बहुत भूख लग रही है एंड आई मेड यम्मी फूड फॉर यू. इसी के साथ मैं क्विक ब्रेक लेता हूँ और कुछ खा लेता हूँ, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो हम देखेंगे सुजैन का दूसरा पैशन प्रोजेक्ट. तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद. हम हैं डिजाइन एचक्यू में सुजैन खान के साथ और मैं हूँ इनके बहुत ही अमेजिंग डिजाइन स्टोर द चारकोल प्रोजेक्ट में, और शायद इससे ज्यादा कंफर्टेबल काउच पर मैं आज तक नहीं बैठा. थैंक यू आशीष, यू आर वेरी काइंड एंड आई अडोर यू. तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई, व्हाई डिड यू स्टार्ट द चारकोल प्रोजेक्ट? So the basic thing about the charcoal project is that this is my third baby. मैं सबसे यही कहती हूँ मेरा third baby है. ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं करना चाहती थी जब से मैं एक छोटी बच्ची थी, that 5-year-old girl जिसके दिमाग में डिज़ाइन का फितूर था. I think कि मैं हमेशा से बनाना चाहती थी एक concept store, और मैं चाहती थी कि उसमें हो all the various products. कुछ तो मैं खुद क्यूरेट करूं और कुछ मैं वेरियस प्लेसेस से लेकर आऊं. और ये चीज़ मैंने सोची इन 2008 व्हेन आई बॉट द स्टोर. उस टाइम पे इस तरह का कुछ इंडिया में नहीं था, एंड देयर वर स्टोर्स, फर्नीचर स्टोर्स एंड एवरीथिंग, बट द वॉल्स एंड द स्पेस हैड नो स्टोरी, यू नो, दे वर जस्ट लाइक इट वाज जस्ट फर्नीचर. You know, हमने बात की रस्टिक की, हमने बात की टेक्सचर की, और हमने बात की how you like to bring tribal also. जैसे you love tribal, ये जो cushions हैं, जैसे animals, जैसे safari theme, या फिर Africa. आपको यही सब पसंद है, जैसे एक holistic way में you put it together. और ब्रेक से पहले आप मुझे बता रही थी, you know, कि there is a part of you that now wants to simplify things, you know. तो आप बता रही थी, तो कुछ और बताएंगी? So I mean, like, I've noticed that, you know, as I am evolving as a design person, and as a, you know, as I see that sometimes, you know, obviously, however aap chahe ke aapki space bhari rahe art and object se, to ye bahut hi zyada crowded lag sakta hai, and it can come down upon you. So sometimes it's nice to have just one piece element as your hero. जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे. तो आप डिवेलप करते हैं पूरे रूम का स्टाइल और डिजाइन अराउंड दैट वन पीस. सो यू कैन हैव वन रियली आउटलैंडिश, यू नो, रेड, आउट ऑफ स्केल एंड कंप्लीटली, ओह माय गॉड, डिफरेंट पीस है पर कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है इन सब के बीच. सो नाउ दैट वी हैव कम टू एंड ऑफ our amazing conversation, तो अब करते हैं customary design decoded. So let's start. एक चीज जो आपके डिजाइन के हुए घर में जरूर मिलेगी, metal. Yeah. Nice, shiny, glossy metal. Lovely. और एक चीज जो बिल्कुल नहीं मिलेगी, oh God, एक चीज जो नहीं मिलेगी, Swarovski. और आपने ये भी तो कहा था प्लास्टिक फ्लावर्स, फेक फ्लावर्स एंड फेक फ्लावर्स, फेक फ्लावर्स, नेवर. अगर आपको एक वॉलपेपर कस्टमाइज करना हो तो क्या बनाएंगे? वो होगा थीम बेस्ड ऑन द वेरी, इनफैक्ट मैं कर रही हूँ, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट, दैट्स अमेजिंग, एंड मैं ज्यादा नहीं बता सकती, बट आई एम वर्किंग ऑन पार्ट्स ऑफ इंडिया. Oh wow. So कुछ काम चल रहा है जिसके बारे में बाद में बताएंगे. Inspired by India, cities amazing. In India. Amazing. Yeah. किसका घर डिजाइन करना चाहेंगी और क्यों? Whose house I'd like to design? And I would love to design Tony Stark. Oh. So I would love to design a house for a mad billionaire, जो scientist है, जिसके घर में है खूब सारे gadgets and everything, and then you put in the design. I would love to do that. You know, for a very tech savvy house. Yeah. Okay, now would you rather recycle or buy new? मैं पसंद करूँगी recycle करना. होम स्टडी चाहिए या फिर वॉक इन क्लोजेट? याद है आपने होम स्टडी कहा था, तो आप डिसाइड कीजिए. आई हैव टू मेनी शूज. आपको एक ही चूज करना है. मुझे बहुत ही पसंद है होम स्टडी, बट वॉक इन क्लोजेट इज अप देयर. वॉक इन क्लोजेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्लाइंट को खराब डिसीजन लेने से रोकेंगी या विजन के साथ जाएंगी?
डिपेंडिंग ऑन द आइडिया एंड व्हाट इट इज, मैं हमेशा क्लाइंट की साइड पे रहूंगी. इफ द क्लाइंट वांट समथिंग तो मैं वो करके रहूंगी. अगर हो पाएगा एक बंगलो गार्डन के साथ या फिर पेंट हाउस व्यू के साथ. पेंट हाउस विद अ व्यू जो आपके पास ऑलरेडी है. तो इसी के साथ एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. हाय गाइस, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. डिजाइन एच क्यू में आज हम हैं सुजैन खान के साथ. अगर आपके पास एक क्लाइंट आए जिसे चाहिए एस्थेटिक, राइट, तो फॉर एग्जांपल रस्टिक लक्स, तो वो कौन सी पांच या छह पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है? आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट वुड बी दैट वन हैज टू लुक एट द स्पेस और अलाउ करें कि नेचुरल लाइट वहां आ पाए. ओके, क्योंकि उसी पे डिपेंड करेगा कि हाउ रस्टिक एंड हाउ यू नो डार्क और लाइट यू वांट टू क्रिएट. तो अगर ज्यादा लाइट आ रही है तो आप यूज कर सकते हैं वार्मर कलर्स और डीपर कलर्स भी यूज कर सकते हैं. नंबर टू होगा कि आपको देखने होंगे अपने वुड टेक्सचर्स. तो अगर वहाँ पर डार्क वुड्स हैं तो वहाँ लाइट वुड भी होना चाहिए. मेटल इज द थर्ड पॉइंट. मिक्स द वुड विद द मेटल. द फोर्थ पॉइंट वुड बी फैब्रिक. फैब्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर. यू नो, मैं नेचुरल फैब्रिक्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहूंगी, लाइक 100% लिनेंस या फैब्रिक्स जो कि इस तरह के हों. जैसे अगर आप पॉलिएस्टर मिक्स या कुछ ऐसा ले रहे हैं तो जकार्ड और व्हाटएवर शुड बी मोर टेक्स्चर्ड एंड कलर्स. दैट्स द लास्ट पॉइंट. सो योर कलर्स हैव टू बी अगेन ज्यूवल टोन्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये 5 पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए. इससे आप अचीव कर सकते हैं रस्टिक लक्ज़री. दैट वाज अमेजिंग. थैंक यू फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. मुझे बहुत ही मजा आया. और अब मुझे यहाँ से भागना है क्योंकि मुझे जाना है मेरे डिजाइन हेडक्वार्टर्स और दिखाना है कि कैसे बनाएं रस्टिक लक्स रूम. वाओ. मेरे लिए रस्टिक है वार्म, कोजी, इंटीमेट, पर्सनल, ऑलमोस्ट योर ओन, ऑलमोस्ट एक एनवेलपिंग टाइप का स्पेस. और जो वर्ड्स मेरे दिमाग में आते हैं वो हैं ऑर्गेनिक, नेचुरल, रॉ, टेक्सचर्ड, वाबी साबी. इससे आती है थोड़ी सी ट्राइबल फील, थोड़ी सी आउटसाइड स्पेस में, थोड़ा सा रॉ और थोड़ा सा कल्चर ऐड हो जाता है. लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रस्टिक स्पेस में. इतने सारे बोल्ड कलर्स और पैटर्न्स के साथ ये इंपॉर्टेंट है कि हर टेक्सचर और हर कलर अलग से स्टैंड आउट हो. जब एक रस्टिक स्पेस को लाइटिंग करे तो जरूरी है कि उसे डिफरेंट एंगल्स पर और डिफरेंट लेवल्स पर और डिफरेंट अपर्चर्स पर लाइट करें. मुझे इन स्पेसेस के लिए फर्नीचर खरीदने में हमेशा अच्छा लगता है. मैं इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ. एक है सिंपल बॉक्सी टाइप, जैसे कि ये बेड जो कवर्ड हो जाता है और आप नोटिस नहीं करते, और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइबल एंटीक पीसेस जो एक स्टेटमेंट बन जाते हैं. फर्नीचर की बात करें, मटेरियल इसकी मटेरियल जैसे एज स्टोन, वुड, नेचुरल मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, मड इस लुक के लिए अच्छे रहते हैं. मटेरियल के बाद कलर की बात करते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस लुक. कलर जैसे ब्राउन, बेज, इक्रू, ग्रे और कई बार ब्लैक एंड व्हाइट इस लुक के साथ अच्छे लगते हैं. ऐसे कलर यूज कीजिए जो वार्म और अर्दी हो, जिससे आउटडोर फील अंदर आए. जब बात आती है आर्ट, आर्टिफैक्ट्स और एंटीक्स की, तो याद रखिए इन्वेस्ट. फ्ली मार्केट की हर लेन में जाइए, हर एंटीक स्टोर में जाइए, ट्रैवल कीजिए और देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, किससे रिलेट करते हैं, उससे लीजिए, क्योंकि उससे घर में थोड़ा कल्चर ऐड होगा, अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेडिशन इन योर स्पेस, और साथ ही ये लेकर आएगा ट्रैवलर्स आई आपके घर में. फैब्रिक्स इंपॉर्टेंट है. मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आकर कहते हैं, आशीष आप एक ही बेड पर इतने सारे टेक्सचर्स और कलर्स कैसे डालते हैं? वेल, सिंपल एग्जांपल, यहाँ है ट्राइबल, स्ट्राइप्स, पैटर्न्स, बोल्ड पैटर्न्स, ज्योमेट्री, डिफरेंट कलर्स में एक ही बेड पर. और ये सब अच्छे लगते हैं क्योंकि ये फॉलो करते हैं एक सिंपल प्रिंसिपल नेचुरल डाई कलर्स का. ये है रस्टिक. ये पांच पॉइंट्स याद रखिए. इट्स ऑल अबाउट वेदर्ड वुड, वार्म कलर्स एंड पैटर्न्स, हैंड स्टिच्ड फैब्रिक्स, डिस्ट्रेस्ड मटेरियल्स एंड ट्राइबल एंड विंटेज डेकोरेटिव पीसेस. ये अर्दी टोन से मेरा मन कर रहा है कि मैं हॉटलैंड्स में जाऊं, तो मैं चलता हूं.
लेकिन जल्दी ही मिलूंगा डिजाइन एचक्यू पर, सेम टाइम डिफरेंट स्पेस।